आपका अपने चैनल द चौक चौराहा न्यूज पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की श्रृंखला में हम आपके लिए 10 बड़ी खबर लेकर आए हैं। एक एक करके इन सभी खबरों पर चलेंगे और इन सभी के तह तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा के 60% सांसदों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में है बहुत बड़ी नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की चिंता बढ़ाती हुई नजर आ रही है ये खबर। पार्टी को अब अपने अंदरूनी तंत्र से विभिन्न स्तरों पर मिल रहे फीडबैक में यह स्थिति सामने आई है कि इनमें से कुछ का तो बदला जा सकता है और कई ऐसे मंत्री हैं जिनको पूरी तरह से टिकट देने से पार्टी बच सकती है। यानी दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, जहां पर लोकसभा के 60% से ज्यादा सांसदों से उनके कार्यकर्ता नाराज है और भाजपा नए छोटे साथी दलों की तलाश में है। छोटे दलों को कांग्रेस से आस है। वहीं दिल्ली में 2 दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में देश के हर लोकसभा क्षेत्र में चुनिंदा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। सूत्र के अनुसार इस दौरान उनके पार्टी के नेताओं और सांसदों को लेकर भी राय मांगी गई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया प्रभारी और मीडिया प्रभारियों के समेत कई और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। इन बैठक में एजेंडा तो चुनावी तैयारियों का था, लेकिन इनमें सांसदों को लेकर उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी राय दी है और बिहार और यूपी के कार्यकर्ता ने तो कुछ मंत्रियों के भी नाम दिए हैं और कहा है कि इनको अगर दोबारा टिकट दिया जाता है तो मुश्किलें होंगी। यानी दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपने ही सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यहां तक कि अपने मंत्रियों के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए कहा है कि अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो भारतीय जनता पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव हार जाएगी। यानी दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही थी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सरकार गिराने की कोशिश में है विपक्ष। कांग्रेस भाजपा विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे येदियुरप्पा। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा। कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर विधायकों के खरीद फरोखों का आरोप लगा रही है और कांग्रेस नेता और कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री DK शिव कुमार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है और कांग्रेस के 3 विधायक भाजपा नेताओं के साथ मुंबई में मौजूद है। यानी दोस्तों पूरी तरह से सत्ता बिगाड़ने का खेल चल रहा है कर्नाटक में और भारतीय जनता पार्टी भक्षक प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जो कर्नाटक में सरकार चला रहा है उसकी सरकार को गिराया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। पूरी तरह से दोस्तों इस खबर को लेकर एक एक अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ और ये खबर निकल कर सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर गुजरात में रविवार को पहली बार एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर गुजरात पहला ऐसा राज्य बना है जिसने गरीबों को 10% का आरक्षण लागू कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मोदी ने 2009 के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर 50% से ज्यादा की सीमा से बढ़कर आरक्षण देने को लेकर चिंता जाहिर की थी। दरअसल दोस्तों 2009 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज पिछड़े वर्ग में शामिल होने की एक दौड़ शुरू हो गई है जो सही नहीं है। यूपीए सरकार द्वारा बनाई गई सिन्नो कमेटी पैनल के सामने उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसमें सामान्य वर्ग को आरक्षण देने पर विचार करने के लिए बनाया गया था। यानी बड़ा खुलासा होते हुए निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर 50% ज्यादा को आरक्षण देने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो उस समय में गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने बड़ा विरोध किया था। एक बड़े रिपोर्ट के अनुसार आपके लिए हम बड़ी खबर लेकर आए थे। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ और ये खबर निकल कर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर सपा बसपा गठबंधन से बीजेपी की नींद उड़ चुकी है, ये कहना है मायावती का। दरअसल दोस्तों आज यानी 15 जनवरी को मायावती अपना 63वां जन्मदिन मना रही है और मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीएसपी के लोग साथ ही मायावती ने कहा कि लोकसभा में जीत मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। मायावती ने सपा के साथ हुए गठबंधन को लेकर कहा कि हमारे गठबंधन से भाजपा पार्टी के होश उड़ गए हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जुम्मे की नमाज में भी सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को राय देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को ठीक तरीके से जमीनी स्तर पर लागू कराया जाए। यानी दोस्तों बड़ी राय देते हुए मायावती नजर आई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ और ये खबर निकल कर सामने आ रही है मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही जुड़ी हुई, जहां पर झूठे वादे वाली केंद्र की मोदी सरकार का सुपड़ा साफ कर देगी सपा बसपा गठबंधन, ये कहना है
मायावती का। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की जनता से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और प्रलोभन से सावधान रहने की नसीहत देते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को कहा कि समाजवादी पार्टी से किया गया गठबंधन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का सुपड़ा साफ कर देगा। अपने 63वें जन्मदिन को मनाते वक्त उन्होंने पार्टी के कैडर से कहा है कि सपा बसपा के गठबंधन को पूरी तरह से सफल बनाए और दोनों दल एक दूसरे कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी हित के लिए और गठबंधन हित के लिए काम करे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर दे। यानी दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही थी उत्तर प्रदेश से, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। और ये खबर निकल कर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर शिवसेना ने साधा सरकार पर निशाना, केंद्र की योजना को बताया बकाए की मुद्रा। मुद्रा योजना के तहत वितरित किए गए कर्जों के बकाए को लेकर रिजर्व बैंक ने चिंता जाहिर की है। इस बकाया कर्ज की 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख सहयोगी शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार पर उनकी वित्तीय योजना को लेकर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार स्वरोजगार के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना ने लिखा कि मुद्रा योजना के तहत वितरित किए गए कर्जों के बकायों को लेकर रिजर्व बैंक ने अपनी चिंता जाहिर की है और कर्ज की राशि 11,000 करोड़ तक पहुंच गई है और सरकारी और निजी बैंकों में बकाया तथा डूबते कर्ज का पहाड़ पिछड़े कई वर्षों से गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऊपर से हजारों करोड़ रुपए के कर्ज डुबाकर कई उद्योगपति देश से बाहर चले गए हैं। इस विषय को और भी बाहर मिल गई है। इस पार्श्व भूमि पर अब मुद्रा योजना मुद्रा जैसी बकाया राशि भी कुछ हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकलकर जहां सामने आ रही थी, जिसमें शिवसेना बड़ा हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर नजर आ रही है और बड़े यहां पर तीखे लहजे में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर निकलकर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, जहां पर नमो ऐप पर बीजेपी के सर्वे में सांसदों में बड़ी घबराहट देखने को मिल रही है। नमो ऐप में किए गए सर्वे से कई बीजेपी सांसदों की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी की नमो ऐप पर लोगों के लिए पसंदीदा संसदीय क्षेत्र के 3 मुख्य नेताओं की जानकारी मांगी गई है। पीपल्स पल्स नाम के सर्वे के जरिए बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम को शॉर्ट लिस्ट करेगी और ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर जिले से 3 प्रमुख नेताओं के नाम बताकर उनके बारे में फीडबैक दे ताकि टिकट किसको देना है यह तय हो पाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में सांसदों को बड़ा झटका लग सकता है और ज्यादातर सांसदों की टिकट भी कटने की खबरें आ रही थी। दोस्तों एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी के सांसद और यहां तक कि मंत्रियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और तमाम तरह के अन्य राज्यों में देखने को मिलेगा। ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के टिकट काटे जाते हैं तो वो सांसद कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा को बड़ा झटका इन राज्यों में मिल सकता है और सांसदों की टिकट कटने का भी बड़ा नुकसान भाजपा को झेलना पड़ सकता है। हम आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनने के बाद अब बहुत बड़ी खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक गई है। इसको लेकर कई सारे सर्वे कराए गए हैं और ज्यादातर सर्वे ये बताते हैं कि तकरीबन 52 सीटें महागठबंधन जीतेगा, वहीं बीजेपी को केवल 28 सीटें मिलेंगी। यानी दोस्तों अगर सांसदों का टिकट कट जाए, ऐसे में सांसद ने अगर मोर्चा खोल दिया तो बागी उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मादा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद। और अब उनके कार्यकर्ता और सांसद दोनों को एक साथ बिठाकर मनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मायावती ने अपना 63वां बर्थडे मनाया है और इसके साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर वो मायावती को कोई ऑफर देना चाहते हैं या किसी तरह से न किसी रूप में बधाई देना चाहते हैं तो कार्यकर्ता केवल एक काम करे कि लोकसभा चुनाव में डट कर मुकाबला करे और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादातर सीटें छीन कर महागठबंधन के झोले में डाले और मायावती के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को भी मजबूत करे। इसके साथ ही उन्होंने एक किताब का विमोचन करते हुए अपने संघर्ष की कहानी पर लिखी एक किताब का विमोचन भी किया है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लोगों से भी एक साथ समन्वय बिठाने की मांग करी है मायावती ने। और दोस्तों बड़ी खबर उत्तर प्रदेश
प्रदेश से ये निकलकर सामने आ रही थी। एक एक अपडेट हमने आपको दी है, आपको ये खबरें कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। आपके कमेंट का लगातार रहेगा इंतजार। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।